हम आपको बताने वाले कि लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च क्या होता है ना सी में। तो लीनियर सर्च जो सिक्वेंशियल सर्च होता है, लीनियर सर्च इन सी टू फाइंड वेदर नंबर इज प्रेजेंट इन एरे। एरे में नंबर है तो वो उसको डिस्प्ले कर देगा। इफ इट्स प्रेजेंट देन एट व्हाट लोकेशन इट अकर्स, अगर वो प्रेजेंट है तो किस लोकेशन में है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ सिक्वेंशियल सर्च, क्योंकि हम वन बाई वन हर एलिमेंट को चेक करते हैं, इसलिए वो सिक्वेंशियल सर्च कहलाता है। इट इज़ अ स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड वर्क एज अ फॉलोज, वी कंपेयर ईच एलिमेंट विद एलिमेंट टू सर्च अंटिल वी फाइंड इट ऑन द लिस्ट एंड। जब तक कि लिस्ट खत्म नहीं हो जाती तब तक हम वन बाई वन एक दूसरे को कंपेयर करके फाइंड आउट करते हैं, और हो सकता है एक ही नंबर कई बार आया हो तो वो सबको सर्च करेगा। लीनियर सर्च फॉर मल्टीपल अकरेंस एंड यूजिंग अ फंक्शन, तो लीनियर सर्च को मल्टीपल अकरेंस के लिए भी यूज करते हैं और फंक्शन के थ्रू भी हम लीनियर सर्च कर सकते हैं। आज केवल हम प्रेजेंटेशन दिखाएंगे, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल सेशन में इसको वन बाय वन सिक्वेंशियल सर्च, मल्टीपल सिक्वेंशियल सर्च और फंक्शन से सिक्वेंशियल सर्च कैसे करते हैं दिखाएंगे। प्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर सर्च, अब लीनियर सर्च कैसे काम करता है। इस एरे में दो बार 12 आया है और उसको हमें सर्च करना है वन बाय वन, तो वो सर्च करेगा पहले पहले वाला 12, फिर दूसरा दूसरे वाला 12। तो पहला 12 आपका फर्स्ट पोजीशन पे हो और दूसरा 12 आपका थर्ड पोजीशन पे, क्योंकि एरे हमारी जीरो से स्टार्ट होती है ना, तो इसलिए यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पे ये 12 होगा और ये थर्ड पोजीशन पे 12 होगा। तो सर्च वो वन बाय वन करेगा और काम करेगा। बाइनरी सर्च, इन कंप्यूटर साइंस बाइनरी सर्च आल्सो नोन एज अ हाफ इंटरवल सर्च, लॉगरिथमिक सर्च और बाइनरी चॉप इज अ सर्च एल्गोरिथम दैट फाइंड द पोजीशन ऑफ अ टारगेट वैल्यू विद इन अ सॉर्टेड एरे। इसके लिए जरूरी होता है कि आपकी एरे सॉर्टेड हो और उसको हर एक ब्लॉक में सर्च करने के बाद हाफ ब्लॉक को हम चॉप कर देते हैं। बाइनरी सर्च कंपेयर द टारगेट वैल्यू टू द मिडिल एलिमेंट ऑफ द एरे, हर बार जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसके मिड पॉइंट को वो फाइंड आउट करके वैल्यू को सर्च करता है। अगर मिड पॉइंट पे ही वैल्यू मिल जाती है तो वो आपका डिस्प्ले कर देता है वैल्यू को, अदरवाइज एरे को चॉप कर देता है। एरे को कैसे चॉप करता है देखते हैं। अब यहाँ पे 5 एलिमेंट्स की एरे है जिसमें 4 मिड पॉइंट है, अगर हमारा नंबर 4 होता तो वो 4 पे मिड पॉइंट पे डिस्प्ले कर देता, लेकिन अगर नंबर 3 है या 10 है, 3 होगा तो वो एरे को इधर की एरे को काट के ऊपर वाली एरे दे देगा, और जो हमारे मिड पॉइंट होगा उसमें लोअर जो आर का पोजीशन होगा, राइट पॉइंट पोजीशन होगा, वो मिड माइनस 1 हो जाएगा, और अगर हमारी 10 पोजीशन होंगी तो वो ऊपर वाले एरे को छुपा देगा और नीचे वाले एरे को दिखाएगा। तो इस समय एल की पोजीशन मिड प्लस 1 हो जाएगी, तो इतना दो एरे के इसको दिखाएगा। तो इसको कैसे हम लोग प्रैक्टिकली करेंगे इसको प्रैक्टिकल सेशन में देखेंगे। सो दिस इज ऑल इन दिस प्रेजेंटेशन। इफ यू लाइक दिस एंड यू अंडरस्टैंड इट देन प्लीज कमेंट ऑन माय वीडियो एंड टेल मी वेदर यू अंडरस्टैंड इट और नॉट। तो आप लोग को बहुत अच्छे से मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है और नहीं आया है तो कमेंट में क्वेश्चन करिए, और इसको प्रैक्टिकली अब कैसे करते हैं इसको हम लोग करके प्रैक्टिकल सेशन में देखेंगे। बाइनरी सर्च जो है बहुत अधिक यूज में आता है और ये सबसे फास्टेस्ट सर्च है, और ट्री के माध्यम से भी हम लोग जब एडवांस डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो ट्री के माध्यम से भी हम बाइनरी सर्च कर सकते हैं। सो This is all today, viewer. If you like it, please share and subscribe my channel, Ratan Agarwal, IT Informer. Follow my all social media link. Join my Telegram channel, Tech Ratan. Thank you. And please comment on video and watch my video and subscribe my video. Thank you.